Hey guys, आज हम आ गए हैं न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं ऐसी तीन दिवालियों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि नंबर टॉप पे आती है। बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी हुई। तो पहले नंबर पे आ जाती है अपनी टीवीएस आईक्यू जो कि हम मोटर के साथ आती है और 4 किलोवाट ये पावर निकालती है। बैटरी की बात आते हैं तो इसकी बैटरी 3 किलोवाट है जो कि आप तो 100 से 75 किलोमीटर की रेंज देती है। तो फ्रेश साइड से 43 रुपए सस्पेंशन मिल जाती है। रियर साइड में भी आपको डुअल सस्पेंशन मिल जाती है। और टायर की बात करते हैं तो बढ़िया कलर की टायर है इसमें, तो इसका चार्जिंग टाइम 4.5 घंटा का है। इसकी फीचर के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के हिसाब से इसमें फीचर जो ज्यादा नहीं दिए तो नॉर्मल हिसाब से दिए प्रैक्टिकल फीचर, जैसे पार्टी सेफ्टी लाइट आ जाती है उसमें और मोबाइल एप्लीकेशन भी दी हुई है। तो इसकी आप प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं तो इसकी प्राइस है 1,55,000। तो टीवीएस के बारे में तो हो गया, तो अब बात करते हैं एथर की जो कि बहुत अच्छा पावर निकालती है। तो इसकी मोटर के बारे में बात करते हैं जो कि 6.4 किलोवाट की और इसकी बैटरी 2.9 किलोवाट की आती है। लिखा देती है 150 किलोमीटर की रेंज, तो इसकी IDC रेंज है। अगर आप प्रैक्टिकल माने तो इसकी 120 या 125 मानते चल सकते हैं। तो प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका प्राइस के आस पास का प्राइस है, इसका ऑन रोड प्राइस है 1,60,000। तो इसमें दोनों साइड डिस्प्ले मिल जाते हैं जो कि में नहीं मिलते हैं। तो अब बात करते हैं ओला के बारे में जो ही आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तो ओला के बारे में मैं क्या ही बात करूं, तो पहले नंबर हम आते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी इसकी 4 किलोवाट की मिलती है, 1.95 की RDC रेंज। प्रैक्टिकल में हम माने तो हमें मिल जाती है 150 की रेंज इको मोड, और अगर इको मोड नहीं चलाना है तो नॉर्मल में तो 120 की रेंज आपको मिली जाती है। मोटर की बात आई तो भाई मोटर तो इसकी बहुत दमदार है, तो मोटर इसकी 11 किलोवाट की है। तो ये मोटर मुझे बहुत दमदार लगी क्योंकि 11 किलोवाट बहुत कहता है जो कि इसको नंबर 1 पे लाता है। फीचर की बात कर ले तो भाई फीचर ने बहुत भर भर के दे दिए है जो कि हमें फीचर की कोई कमी नहीं लगी है। तो फीचर के बारे में अगर हम एक एक बार भी बात करें तो मैं बता देता हूँ, इसमें हिल होल्ड आ जाता है जो कि बेटा वर्जन है। फिर इसमें आ जाता है क्रूज कंट्रोल, और क्रूज कंट्रोल ज्यादा गाड़ियों में नहीं आता है, इसमें आता है। वैसे आईक्यू में आने लगा है, मोबाइल कॉलिंग आ जाती है, मोबाइल का ऐप आ जाता है और नेविगेशन का भी ऑप्शन आ जाता है। और लाइट वाले में बात करते हैं तो इसमें हेलो लैंप आ जाता है और सेफ्टी लाइट भी ऑप्शन आ जाता है। तभी ओला का न्यू वर्जन आया है ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन, उसमें अभी MUES 4 नहीं आया है, बहुत ही लॉन्च होने वाला है 25 जनवरी। तो अभी MUES 3 ही है, MUES 3 में भी बहुत सारे फीचर है जो कि इसको टॉप 1 पे बनाते हैं, और एथर और आईक्यू तो इसको पीछे छोड़ देता है। तो हर चीज में ओला आगे है, एथर से भी आगे है। जैसे पर एथर में अगर हम देश गाड़ी जाए तो भी ओला आगे लेकर जा रही है, जो कि जेन 1 वाला मॉडल था वो आईक्यू से थोड़ा पिकअप में हार जाता था। अब जेन 2 वाला था 11 किलोवाट की मोटर बना दी है तो नहीं हार सकता। तो इन 3 गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी हमें कमेंट बताना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ना मत भूलना।